अभी मैं बिहार का सीमा जहां से शुरू होता है वहां पे खड़ा हूं। इस साइड आप देखिए बिहार है और लिखा हुआ है शराब मुक्त बिहार में आपका स्वागत है। आगे पुलिस का बोर्ड लगा है। एक साइड तो आपने देख लिया कौन सा राज्य है, दूसरा साइड मैं दिखाना चाहता हूं आपको। यहां पे लिखा हुआ है सीमा प्रारंभ देवरिया, यानी देवों की भूमि देवरिया, यानी जहां पे मैं खड़ा हूं उसके एक साइड उत्तर प्रदेश है और एक साइड बिहार है। उत्तर प्रदेश के सड़क का कंडीशन आप देखिए कि किस प्रकार का सड़क है यहाँ पे, और बिहार का सड़क जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे कंडीशन देखिए किस प्रकार का सड़क है। हालांकि बिहार में दारू बैन है और इसलिए सड़कों का कंडीशन इस प्रकार से रखा गया है कि कहीं कोई बॉर्डर से दारू लेके घुसेंगे तो पुलिस का गाड़ी तो रहता है खराब, तो भागेंगे नहीं ना गड़िया लेके, तो धर के पकड़ लिया जाएगा। ये रोडवा खराब रहेगा तब ना धर के पकड़ा जाएगा, रोडवा सही रहेगा तो भाग जाएगा 80 के स्पीड में, सही है कि नहीं है। बिहार राज्य प्रारंभ, यहाँ पे एगो माइल स्टोन लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है गुठनी मोड़ 4.5 किलोमीटर। और इधर से भी देख लेते हैं, इधर से उत्तर प्रदेश का रामपुर 0 किलोमीटर, मतलब यहाँ से रामपुर शुरू हो जाता है। चाचा बिहार बिहार के हैं? हाँ, बिहार के। बिहार के है ना, और अभी बिहार में खड़ा है कि उत्तर प्रदेश में खड़ा है? बिहार में। बिहार में एगो चाचा है यहाँ पे। चाचा आप उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं? उत्तर प्रदेश के। अभी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं कि बिहार में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, यानी इधर है उत्तर प्रदेश और इधर है बिहार। चाचा बिहार में दारू बंद है पता है? हाँ। अब बॉर्डर पे कोई नहीं है तो दरुआ तो घुस जाता होगा? घुसता होगा। घुसता होगा मतलब आपको नहीं पता है? कभी कभी घुसता होगा ना? अब ये देखते नहीं, नहीं देखते हैं चाचा, नहीं देखते हैं। ये बॉर्डर है और यहाँ पे बॉर्डर पे देखिए हाई सिक्योरिटी वाला जो है ना यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, इसमें फेस लॉक लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, स्पीड डिटेक्टर लगा हुआ है और बांस का ये बैरियर है। देखिए जैसे आप लेके घुसिएगा तैसे ये डिडक्ट कर लेगा, पता नहीं किस प्रकार से डिडक्ट करता है, हमको नहीं पता है, कहीं हाई सिक्योरिटी होगा। चाचा उत्तर प्रदेश के है ना जी, आप बिहार में उत्तर प्रदेश से दरुइया घुसता है कि नहीं घुसता है कभी कभी? बिल्कुल घुसता है। घुसता है। अच्छा उत्तर प्रदेश में दारू बैन है कि नहीं है? ना, उत्तर प्रदेश खुला है, मतलब उत्तर प्रदेश में पी सकते हैं। हाँ। अब बिहार में नहीं पी सकते हैं, मतलब कि साफ साफ है। इस देश का देखिए ना मजाके इस देश में कभी कभी होता है। यहाँ पे खड़ा हो जाइए 1 इंच इधर हट जाइए दारू पीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे खड़ा हो जाइए 1 इंच इधर हट जाइए दारू पीजिए जेल चले जाइए, मतलब क्या मजाक है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करते हैं, हम एक देश एक कानून का बात करते हैं, तो एक देश में एक कानून क्यों नहीं लगता है कि एक राज्य में दारू चालू है और एक राज्य में दारू बैन है। और देखिए दरुइया के टैक्सवा से क्या होता है, दारू का जो टैक्स आता है ना उसे टकाटक रोड बन जाता है, और जिस राज्य को दारू से टैक्स नहीं मिलता है ना उसका रोड का कंडीशन जो है ना पता ही नहीं, समझ में नहीं आता है कि विकास में गढ़ा है कि गढ़ा में विकास है। देखिए देख लीजिए यहाँ पे आ रहे हैं एकदम बिहार से एकदम, और घुसेंगे अब उत्तर प्रदेश में। कोई जांच करने वाला नहीं है कि गांजा लेके घुस रहे हैं कि दारू लेके घुस रहे हैं कि क्या लेके घुस रहे हैं, कोई जांच करने वाला नहीं है। और इस प्रकार से इस देश में नियम और कानून लगाया जाता है, जबकि नियम और कानून हम नहीं चाहते हैं कि दारू जो है कोई पिए, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन दारू के साथ घटिया मजाक जब होता है, आखिर जब दारू बंद है तो हर महीना बिहार में ऐसा घटना सुनने को मिलता है कि जहरीला शराब से जो है 20 मरे 25 मरे 10 मरे 15 मरे, ऐसा क्यों? अगर नियम लगता है इस चेक पोस्टवा पे खड़ा होके इस साइड कि सही रखना है बिहार को तो सही रखा जाए ना यहाँ पे। अच्छा ये चाचा एगो बात बताइए, बिहार के विकास से संतुष्ट हैं आप? नहीं, नहीं है, मतलब बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में विकास है? उत्तर प्रदेश में है? हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? रोड देखिए, रोड सही है उत्तर प्रदेश में? हाँ। और हम लोगों का जो बिहार है उसमें इसमें देखिए रोड खराब है, हमको नहीं दिख रहा है चाचा। देखिए ना खराब है, हमको नहीं दिख रहा है रोड, कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, शायद किसी नेता को दिख रहा होगा। क्या नाम है चाचा आपका? शंकर तिवारी। अच्छा ये बताइए
आप उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं? बिहार के। शराब मुक्त बिहार है? हाँ। मिलता है बिहार में शराब? शराब में तो बहुत पकड़ा रहा है, शराब लोग पी रहे। पी रहा है ना? हाँ। जबरदस्त जबरदस्त। अब बहुत लोग पकड़ा भी रहे हैं। पकड़ा भी रहे हैं। बिहार में कभी सुने हैं कि 5 स्टार होटल पे छापा पड़ा हो? कभी सुने हैं 7 स्टार आदमी को पकड़ के दारू के केस में जेल में डाला गया हो? नहीं। सड़क पे चलता हुआ गरीब आदमी दारू के केस में पकड़ा जाता है और जेल जाता है, बड़ा लोग नहीं जेल जाते हैं। सच्चाई ये है, एक बार विधानसभा में टेस्ट हो जाए सब किसी के, जितने भी विधायक बैठते हैं उनका खून का, तो पता चल जाएगा दूध का दूध और खून का खून कि कौन दारू पीता है कौन नहीं पीता है। ये है सच्चाई। और अच्छा अच्छा ये बताइए, यहाँ पे पूरा ईमानदारी से चेक होता है? अब ईमानदारी से हम लोग खड़ा को थोड़ी चेक करते, देखते हैं कि ईमानदारी है कि बेईमानी है। नहीं देखते आप लोग? थोड़ी हम देखते। आप देखते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो कब जाता है कब आता है हमको पता है। आप लोग पता नहीं? आप देखते हैं कभी? नहीं, आप भी नहीं देखते हैं? नहीं, कभी कभी पकड़ाता है, कभी कभी पकड़ाता है। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बिहार में क्या घुस गए? बिहार में जब बाजू में है तो घुसने में क्या तकलीफ? देखिए, ये कहाँ घुस गए हैं बिहार में, उसके पीछे रीजन है कि ये एक देश है और देश में किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता है, और एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। दारू अगर बिहार में बंद है तो उत्तर प्रदेश में भी बंद होना चाहिए, और बिहार में अगर उत्तर प्रदेश में चालू है तो बिहार में भी चालू होना चाहिए। हम लोग विकास के नाम पे बड़ा बड़ा बवाल करने की कोशिश करते हैं विधानसभा में और लोकसभा में बैठ के, लेकिन आम आदमी को जो समस्या होता है उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। ये जो घर है वो उत्तर प्रदेश का घर है और ये जो घर है वो बिहार का घर है। अच्छा ये बताइए, कभी कभी बिहार से लोग उत्तर प्रदेश में दारू वारू पीने जाते हैं? हाँ, पूरे जाते हैं। जाते हैं? हाँ, हाँ। जब बिहार में घुसते हैं तो पकड़ा जाते हैं कि बच जाते हैं? नहीं, दारू पीने वाले तो नहीं पकड़ाते। नहीं पकड़ाता है? नहीं, पहले पकड़ाता कभी कभी। अच्छा इधर, अच्छा भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा गांवा पहलवान ठेला वाला। अच्छा, आपका घर कहाँ है? इमुई बाजार। अब बिहार में कि उत्तर प्रदेश में? दोनों बाड़ों पर। दोनों बिहार में? बिहार में। बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में दारू पीते हैं कि नहीं आप? पीते हैं कि नहीं? पीते हैं, रोज पीते हैं। रोज पीते हैं 24 घंटा? आप बिहार में नहीं घुसते हैं ना पी के? डेली घुसते हैं। डेली घुसते हैं, मत घुसिएगा नहीं तो पकड़ा जाए। क्या? डेली घुसता हूँ। डेली घुसते हैं? हाँ। मत घुसिएगा दारू पी के है? नहीं तो पुलिस वुलिस पकड़ लेगा तो बवाल हो जाएगा। जब चोरवा तो पकड़ी। हाँ। दलाल हुई तो पकड़ी। हाँ। मतलब दारू पीते हैं आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पे खड़ा होके? चलिए ठीक है, ये देखिए ये बाउंड्री पर खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में चालू है तो दारू पीते हैं ये, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके साथ ये भी कहेंगे कि अगर भारत एक देश है तो इस देश में हर एक राज्यों के लिए एक ही नियम होना चाहिए, ना कि इधर चालू रहेगा और इधर बंद रहेगा। सही है कि नहीं? आप युवा हैं यहाँ पे, डिस्कवर से हैं, रुक गए हैं, क्या नाम हुआ? अमित चौबे। अच्छा ये बताइए, ये रोड जो है सही है? बिल्कुल सही है। बिहार वाला रोड सही है? बिल्कुल सही, बस ये खराब आगे तो सही ही है। आगे तो पूरा गड्ढा है, हम लोग मैरवा से आ रहे हैं। मैरवा से ही आ रहे? हाँ, तो पूरा गड्ढा है, साइड साइड में गड्ढा है, बीच रोड नहीं, तो पूरा नहीं, आगे थोड़ा सा खराब है। कैसा, आप जदयू कार्यकर्ता है क्या? नहीं। हाँ तो बीजेपी कार्यकर्ता है। चलिए ये देखिए, और बिहार में बीजेपी और जदयू की एक साथ सरकार है। ईमानदारी से कसम से विश्वकर्मा पे बैठे हैं, मैरवा तक रोड सही है? ईमानदारी से बोलिएगा। मैरवा तक सही नहीं है। देखिए विश्वकर्मा का क्रिया धड़का दिए तो सच्चाई बता दिए, नहीं तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा उत्तर प्रदेश में कहाँ गए थे? थोड़ा किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए। पीने उने नहीं ना गए थे? नहीं ना पीते? पीते नहीं। एकदम नीतीश कुमार के दारूबंदी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, फुल समर्थन करते हैं। फुल समर्थन है ना? हाँ, फुल फुल। तो काहे समर्थन करते हैं नीतीश कुमार के दारूबंदी का? बढ़िया है, बढ़िया है। तो उत्तर प्रदेश के योगी जी से भी कहिए दारू बंद करने के लिए? तो उत्तर प्रदेश वाले बोलेंगे हम? भाई देखिए, भाई देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, बिहार में दारू बंद है फुल समर्थन, और उत्तर प्रदेश में दारू चालू है तो योगी जी को कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा बोलिए योगी जी को भी बंद करने के लिए। जरूरी है, बिहार में भी चालू होना चाहिए। बिहार में भी चालू होना चाहिए? भाजपा के कार्यकर्ता है कि झूठ बोल रहे हैं? नहीं है, बिल्कुल। चलिए फाइनली ये मान लिए कि बिहार में भी चालू होना चाहिए, चालू हो या नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ही कहेंगे कि दारू के नाम पे जो धंधा चालू हुआ है बिहार में ना, वो बंद होना चाहिए, और
जो टैक्स का चोरी और जो हर दिन ट्रक घुस रहा है बिहार में और हर दिन जहरीला शराब के वजह से बिहार के गरीब लोग मर रहे हैं ना, उस पर लगाम लगना चाहिए। और इसके लिए हम लोग इस उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर में हम लोग खड़ा होके ये सच्चाई दिखा रहे हैं। और देखिए, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, आप बिहार में मत घुसिए, आप दारू पी के बिहार में घुसिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बॉर्डर नहीं, नहीं बॉर्डर पे, बॉर्डर से एक हाथ अंदर घुस गए हैं। उसे को मतलब नहीं क्या? हाँ, जब आएंगे उधर से पकड़ने आप भाग जाएंगे उत्तर प्रदेश में। भाग जाएगा ना। देखिए बॉर्डर से अभी दो हाथ अंदर घुस गए हैं, दारू भी पिए हैं, जब पुलिस उधर से आएंगे तो भाग जाएगा ना। भागम नहीं, बाकी रोजगे रोजम उस साइड उत्तर प्रदेश में चले जाएगा ना। वो है तो कौन पांच पे दो कहता पांच पे दो हां कहां रहते हम? हां तो उत्तर प्रदेश में घुस जाएगा। हां चलिए ठीक है। कैसे है चाचा? ठीक है। नियम शराबबंदी का कैसा है? नियम तो शराबबंदी का खराब है यार, बंद होना चाहिए तो बिल्कुल बंद हो जाए, कहीं नहीं मिले। पूरा बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए ना। हां जी बस हम भी चाहते हैं कि अगर सच्चे मन से बिहार सरकार बिहार का विकास करना चाह रहा है ना, तो बंद कर दे, पूर्ण रूप से बंद कर दे। और बिहार में हर दिन जैसे ट्रक में भर भर के दारू पकड़ा जा रहा है और हर गली मोहल्ला चौक चौराहा में दारू लोग पी रहे हैं, वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। चाचा दारूबंदी बिहार में है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? दारूबंदी है, नया एकड़ बन गए, होम डिलीवरी कर रहे हैं नए नए लड़के, घर पहुंचा रहे हैं, कहाँ बंदी है, यूपी से तमाम ले जा रहे हैं। अच्छा आप यूपी में रहते हैं ना? हाँ। तो बिहार का कंडीशन कैसे पता आपको? रोज पेपर में निकलता है, रोज देखते हैं। रोज पेपर में निकलता है? हाँ। आप बॉर्डर पे आपका घर है? हाँ। अच्छा नया लोग कैसे पियकड़ बन गया? वो चौक लेते हैं, 200 में बेचते हैं। हाँ। हो गए उसमें स्टार्ट, पैसा कमाई गजर हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ा होके दोनों राज्यों का विकास दिखाते हुए सच तक के लिए, मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।